ग्रीन नेचर में मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरे गुलाब की दुनिया में भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखिए, आज सारे गुलाब फूल ब्लूम पर है और एक ही साथ सारे गुलाब खिले हैं, तो मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो ना करके एक ही वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। और इस एक वीडियो में आपको सारे गुलाब का जानकारी दूंगा और सारे गुलाबों को एक साथ दिखाऊंगा। तो आइए आप धीरे धीरे इस गुलाबों को लुक लीजिए, देखिए एक साथ कितने गुलाब खिले हैं और एक ही पौधे में है ये, और सारे ये सिंगल मीडिया में प्लांट है, ये बेटी के गुलाब नहीं है। मैं लगातार 2 सालों से सिंडर पर काम कर रहा हूँ और ये सिंडर पर ही सारे गुलाब खिले हुए हैं और उसी के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो मैं वीडियो को पूरा शुरू करता हूँ और एक एक पौधे के आईडी के साथ आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा पौधा किस नेचर के हैं और क्या है वैरायटी है उनके। ये सब आप देखिए, सारे HT वैरायटी के प्लांट हैं और एक प्लांट मेरे ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी के प्लांट आए हैं सामने। तो मैं सारे पौधों को आपको डिटेल में दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें और आप स्किप ना करें, पूरे वीडियो को देखें। मैं धीरे धीरे हर एक प्लांट के पास जाऊंगा और एक ही शॉट में आपको सारे पौधों को दिखाऊंगा, तो आप वीडियो देखते रहें। आइए दोस्तों, पहला गुलाब जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है जॉर्ज बंस। देखिए स्ट्राइप रोज में एक बेहतरीन गुलाब है, ये फ्लोरीवंडा वैरायटी है और जब खिलते हैं काफ़ी मनमोहक होते हैं और दिल को छू लेते हैं। अगला गुलाब दोस्तों HT है और ज़बरदस्त इसके कलर है, ये ब्लश है और ब्लश को दुनिया में एक बेहतरीन गुलाब माना गया है बाइकलर रोज में, और बेहतरीन ये गुलाब है। देखिए दोस्तों अगला है एस्पाना। एस्पाना एक ज़बरदस्त कट फ्लावर वैरायटी है दोस्तों, ये सब डच वैरायटी के रोज़ है, आप इसे कट फ्लावर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके कलर और शेप देखिए, ज़बरदस्त इसके कलर और शेप है। एक देखिए बड आ रहा है, बिल्कुल अलग कलर के हैं और फूल अलग कलर के आते हैं। तो आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दूसरे गुलाब के पास जाते हैं। और देखिए दोस्तों ये भी एक कट फ्लावर है, डच वैरायटी है ये, इसके नाम दोस्तों रिवेरा है और बाइकलर रोज़ है, बेहतरीन इसके कलर कॉम्बिनेशन है। ये देखिए पहले के फूल और ये नए कली से जब ब्लूम करते हैं। अगला गुलाब दोस्तों ये एक मिनी फ्लोरा या HT वेराइटी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ। इसके नाम आश्रम है और एक ही साथ बहुत सारे फूल खिलते हैं और कलर भी बड़े ज़बरदस्त है, तो इसीलिए मैंने इसे भी ऐड किया था। दोस्तों ये एक इंडियन ब्यूटी है, हमारे भारतीय गुलाब है, नाम है वीरेंद्रनाथ और काफ़ी बड़े बड़े फूल खिलते हैं। मेरे बाग में जितने भी गुलाब है सबसे बड़े फूल इसी में से हैं। और देखिए दोस्तों एक फ्लोरीवंडा वैरायटी समर स्नो, अभी इसमें फुल ब्लूम नहीं आए हैं, काफ़ी कलियां पौधों में हैं लेकिन कुछ कुछ फूल खिलना शुरू हुए हैं, तो इसे भी मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को, देखिए समर स्नो। अगला दोस्तों नोबेलिस के पास मैं आता हूँ। नोबेलिस मेरे पास काफ़ी पुराना प्लांट है और मैं कई बार आपसे इसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, अभी बहुत सारे फूल देखिए इसके ओवर हो चुके हैं। तो नोबेलिस भी एक बेहतरीन कट फ्लावर वैरायटी है। देखिए दोस्तों अगले गुलाब के पास मैं जब आ रहा हूँ ये आपको मन छू लेंगे, नाम है सोलरी और ज़बरदस्त ये डच वैरायटी के फूल है, HT वैरायटी है। देखिए कितने बड़े बड़े फूल है, एक एक फूल के साइज काफ़ी बड़े हैं और ज़बरदस्त इसके कलर है, कलर भी फेड नहीं कर रहे हैं और करीबन 20 से 25 रोज दोस्तों ये ओपनिंग करते हैं और पौधों में बने रहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसका कप शेप में फूल खिलते हैं और बहुत ही सुंदर इसके कलर है और अभी सोलरी बहुत चलन में भी है बहुत कोई इसे। अगला दोस्तों गुलाब है मोनिका बेलोची। मोनिका बेलोची दोस्तों एक ज़बरदस्त गुलाब है और देखिए ये कितने बड़े साइज के गुलाब है, देखिए मेरे हाथ से आप अनुमान लगा सकते हैं इसके साइज कितने बड़े हैं। और इस गुलाब देखिए दोस्तों कितने सारे एक साथ खिले हैं और बड़े ही ज़बरदस्त इसके कलर है, इसके फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कलर आते हैं, इसीलिए इस गुलाब की इतने खूबियाँ हैं। दोस्तों बहुत सारे गुलाब मेरे बंदरों ने ख़राब कर दिए, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा गुलाब आपको दिखा पाता। बंदरों ने काफ़ी गुलाब के कलियों को तोड़कर फेंक दिए हैं और उसमें से मोनिका बेलोची सोलरी ये सब प्लांट दोस्तों काफ़ी इफेक्टेड थे, नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा और इसमें फूल दिखाते हैं मैं आपको। देखिए दोस्तों इस कली को मैं दिखा रहा हूँ कितने बड़े कली है इसमें और ये देखिए अभी खिल चुके हैं, कितने बड़े बड़े फूल हैं। आप ये सब
दोस्तों अगर आपको मिलते हैं तो आप गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये सब वर्ल्ड क्लास रोज़ है और ये जब खिलेंगे तो आपके बाग को में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों अगला गुलाब जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, इसका आईडी है ला पार्ला, और मेरे बाग में जितने भी गुलाब है सबसे ज़्यादा लास्टिंग वाला गुलाब यही है दोस्तों। ये दोस्तों ओपनिंग से लेकर लास्ट तक लगभग 30 दिनों तक ये आपको इसी तरह से प्लांट में बने रहेंगे विंटर के मौसम में, क्योंकि धीरे धीरे ओपनिंग करते हैं, हाई सेंटर है और काफ़ी ज़बरदस्त इसके कलर है। ला पार्ला इसका नाम है और बिल्कुल पर्ल के जैसे ही कलर है इसमें। पता नहीं मैं कैमरा में कितने आपको दिखा पा रहा हूँ इसका कलर को, लेकिन ये कलर दोस्तों बिल्कुल अलग है और एक अलग ही अनुभव हम लोग को देते हैं इसका कलर। और देखिए कितने सारे फूल है, और भी क्या बताऊँ मैं, और भी फूल थे लेकिन जैसे कि मैंने बताया बंदरों के ने इन कलियों को तोड़ डाला और मेरे प्लांट को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाए हैं। तो देखिए दोस्तों ला पार्ला की खूबसूरती, ला पार्ला एक ज़बरदस्त कट फ्लावर वेराइटी है। दोस्तों अगला प्लांट के पास जिसे मैं आया हूँ ये स्वीट एवलांच है, एवलांच का ग्रुप का एक ज़बरदस्त वेराइटी। मेरे पास तो वाइट एवलांच था, ये एक स्वीट एवलांच है दोस्तों। इसके कलर देखिए कितने सुंदर इसके कलर है, और लाइट पिंक कलर के इसके कलर हैं, और इसके शेप और ओपनिंग स्टाइल देखिए ये आपके मन को छू लेंगे। इस तरह के गुलाब जब आपके पास रहेंगे तो लगेंगे कि दिन भर मैं इन्हीं के पास खड़ा रहूं और दूसरे कुछ काम में मन नहीं लगते। तो दोस्तों मेरे साथ भी यही होता है, जब भी समय मिलता है मैं इनको पास आ जाता हूं और समय समय पर इनका केयर करता हूं, क्योंकि गुलाब ऐसे ही नहीं खिलते हैं, काफ़ी इसके पीछे मेहनत रहते हैं। साल के 365 दिन मेहनत करने के बाद इस तरह के रिज़ल्ट आपके पास आते हैं, और जब रिज़ल्ट के समय अगर किसी तरह का प्राकृतिक आपदा हो या इस तरह से बंदर और चिड़ियों के द्वारा फूल का नुकसान कर दिया गया हो तो इससे दुखद और कुछ नहीं होते हैं। तो मैं अभी नेट लगाया हूं, उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों मुझे बचत है। तो दोस्तों वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा गुलाब कैसा लग रहा है और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इतने तरह के गुलाब मैं एक साथ लाया हूँ, एक ही शॉट में लाया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों अगले गुलाब के पास मैं आ रहा हूँ, दोस्तों ये भी डच वेराइटी के एक गुलाब है, नाम है हाई एंड मैजिक। ये देखिए कितने इसके कलर है, बिल्कुल आग के गोले की तरह इसके रंग हैं, और ये धीरे धीरे अभी ओपनिंग कर रहे हैं और देखिए कुछ कुछ फूल खिल चुके हैं, करीबन 20 से 25 बड है दोस्तों। अभी एक साल का प्लांट है ये, जितने भी प्लांट मैं आपको शो करा रहा हूँ दोस्तों कोई भी प्लांट मेरे पास ज़्यादा पुराने नहीं है, ये सब नए प्लांट है, क्योंकि मैं पहले मिट्टी में गुलाब करता था, अब उसके बाद मैं धीरे धीरे सब सिंडर मीडिया में कर रहा हूँ, और सिंडर मीडिया में मेरा जो गुलाब है ये सब एक साल, कोई 14 महीना कोई 13 महीना इस तरह का एज है दोस्तों। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लग रहे हैं मेरे गुलाब। तो हाई एंड मैजिक का मज़ा लीजिए दोस्तों, हाई एंड मैजिक में सचमुच का मैजिक छुपा हुआ है। इसके बर्ड ओपनिंग से लेकर अंतिम तक काफ़ी ज़बरदस्त इसके कलर है, जितने अच्छे दिन में लगते हैं उतने ही अच्छे रात में भी ये फूल लगते हैं। तो हाई एंड मैजिक दोस्तों मेरे एक पसंदीदा गुलाबों में से एक है और मैं बहुत मुश्किल से इन गुलाबों का कलेक्शन किया हूँ। दोस्तों ये वेराइटी देखिए, ये एक मिनी फ्लोरा वेराइटी है, मैं इसे जोरीना का नाम से लाया था पर ये जोरीना नहीं है, एक दूसरा ही कोई वेराइटी है, अननोन वेराइटी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका आईडी पता करने का लेकिन अभी तक मुझे इसका आईडी का पता नहीं चला है। लेकिन दोस्तों जो भी प्लांट है देखिए आपके सामने है, बिल्कुल एक नेचुरल गुलदस्ता है। आपके पास अगर हो तो गुलदस्ते की ज़रूरत नहीं है, एक एक साथ 12 से 15 कलियाँ खिलते हैं और इतने फूल एक साथ हैं तो देखिए दोस्तों किस तरह से प्लांट दिख रहे हैं। और ये तो अभी नए प्लांट है दोस्तों, ये लगभग इनका उम्र 7 से 8 महीना होंगे, ये अभी एक साल भी नहीं हुए हैं। अगर मैं अच्छा से केयर करूं और ऊपर वाला का साथ रहा तो नेक्स्ट ईयर दोस्तों मैं इस प्लांट से और भी कुछ कमाल करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और तब मैं फिर से वीडियो लाऊंगा कि किसे ये प्लांट है, किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। इस फ्लावर का मज़ा लीजिए दोस्तों, लुफ्त उठाइए और बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है आपका मेरे ये सब प्लांट। बिल्कुल ऑरेंजी रेड कलर है इसके, और जितने सुंदर ये भी है दिन में लगते हैं उतने ही सुंदर रात में भी लगते हैं। तो दोस्तों अगला मैं देखिए लेके आया हूँ सदाबहार, एक इंडियन वेराइटी, इंडियन ब्यूटी मैं इसे कहता हूँ, जैसे कि नाम है वैसे ही इनका काम है सदाबहार। ये हमेशा फूल खिलने वाला एक फ्लोरिवंडा वेराइटी है,
और एक एक साथ कितने गुच्छे में फूल खिले हैं, और ये भी लगभग दोस्तों 7 से 8 महीने के प्लांट हैं और उसमें इतने सारे फ्लावरिंग हुए हैं। तो दोस्तों देखिए कितने सारे, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंटेड भी है, बहुत खुशबू इसमें है, और एक साथ गुच्छे में फ्लावरिंग करते हैं, इतने फ्लावरिंग कर रहे हैं कि प्लांट का जो डाली है वो नीचे झुक जाते हैं। तो सदाबहार भी आप दोस्तों एक ऐड करने लायक वैरायटी है, अगर आप चाहे तो इसे भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो इस तरह से दोस्तों मैं कोशिश किया आपको मेरे बागान के या बाग के जितने भी फूल हैं वो आप सबों के पास लाने के लिए। अब आप सभी बताइएगा कौन सा फूल कैसे है, और कमेंट कीजिएगा मुझे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।